जीवन अनुभव इनके पास है और उसमें विविधताएं भी बहुत हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं जी कि इन्होंने इंदु शर्मा नाम का एक पुरस्कार, हाँ वो चलाते हैं इनकी पत्नी के नाम, चलाते हैं पत्नी के नाम पर, और हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया जाता है जी। ये विशेष सुविधा इन्होंने हासिल कर ली है वहाँ। हिंदी के लिए इतना किया है, हिंदी को प्रतिष्ठित करने में जिन कुछ लोगों की भूमिका है हिंदुस्तान के बाहर जी, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सिर्फ इन्हें प्रवासी कथाकार नहीं देखता हूँ, इनकी मुख्यधारा के कथाकारों में भी इनका एक महत्व है। हाँ। और विविधता है, जो पहली ही कहानी है उसमें जो एशियाई लोग वहाँ रहते हैं और तरह तरह के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक धनपशु हैं उनका जो जीवन है, उनकी जो क्रूरता है, चालाकियां हैं, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। तो एक तरह से ये एक ऐसा अपरिचित संसार यथार्थ का जो हिंदी पाठकों से सामान्यतः बहुत दूर का है, उसे वो कथा के माध्यम से सुपरिचित कराने में भूमिका निभा रहे हैं। और कुछ नाम भी अजीब रखा है, दीवार में रास्ता। अब घर में रास्ता हो सकता है, दीवार को तोड़ेंगे तब रास्ता बनेगा। दीवार में रास्ता एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है। ये बड़े मुक्त जीवन के बारे में लिखी हुई कहानियां हैं इनकी, दो तीन कहानियां मैंने इनकी देखी। एक कहानी इनकी कल फिर आना, एक कहानी है कल का समाचार जी, इंतजाम एक कहानी है, और एक कहानी आखिरी कहानी है ये सन्नाटा कब टूटेगा, जहाँ बहुत से लोग जहाँ वो लिव इन जैसी लाइफ होती है, शादी नहीं करते। हाँ, वो लंदन के लिए बहुत सामान्य हो, तो सामान्य सी जीवन है। और ये सन्नाटा कब टूटेगा जैसी आखिरी कहानी उन्होंने लिखी है, और उसमें गांधी जी का विक्रम आया है। इस कहानी का एक हिस्सा देख लेते हैं। साल भर से सन्नाटा उसके लेखन पर छाया हुआ है, उसके भीतर की तड़प उसे कचोटती रहती है कि आखिरकार लिख क्यों नहीं पा रहा। उसके दिल में अब भी विषय जन्म लेते हैं, वो आज भी आम आदमी के दर्द को भीतर तक महसूस करता है, मगर फिर उन विचारों को पन्नों पर व्यक्त क्यों नहीं कर पाता। उसके दिमाग में कहानियां जन्म लेती हैं, मगर शब्द कागज पर उतरने से इनकार कर देते हैं। शब्दों ने जैसे विद्रोह कर दिया है। यह हुआ कैसे? शब्द अचानक उसका साथ छोड़कर किसके साथ चले गए? वह दफ्तर में भी काम में मन नहीं लगा पाता, वहां कहानी के बारे में सोचता है और घर आकर दफ्तर के काम के बारे में। एक लड़कपन सा शामिल हो गया है उसके व्यक्तित्व में, एक शरारती बच्चे की तरह जो खेलते समय स्कूल के होमवर्क के बारे में सोचता है, और स्कूल में हर वक्त खेल और शरारत उसके दिमाग में छाए रहते हैं। वह पिछले वर्ष भर के जीवन को एक दिन में जीकर खत्म कर देना चाहता है। उसका बस चले तो इस पूरे वर्ष को अपने जीवन की स्लेट से मिटा दे, मगर जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो छटपटाहट है, बेचैनी है, उस बेचैनी को इन कहानियों के बारे में व्यक्त करते हैं। और जाहिर है कि यह उस वातावरण की कहानी है जो आमतौर से भारतीय जीवन में कम मिलती है जी। हाँ, पश्चिमी दुनिया के और वहाँ के यथार्थ को भी ये सामने लाते हैं। और खास करके मुझे खास बातें दिखाई देती है कि वहाँ के जो यूरोपियन कथाकार हैं, जो लेखक अंग्रेजी में लिखते हैं जी, वहाँ के यूरोपियन जीवन पर लिखते हैं, वहाँ का जो एशियाई जीवन है, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से गए हुए लोग जो वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ कैसे जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके यथार्थ को लाना का काम मुझे लगता है कि अकेले इन्होंने किया है। निश्चित रूप से उसकी एक झलक इनकी कहानियों से मिलती है कि यहाँ के लोग जो भारतीय गए हैं वहाँ उस वातावरण में कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी क्या है। उसमें कुछ भारतीय बिजनेस टाइकून भी हैं, कुछ साधारण लोग भी हैं, कुछ विशेषज्ञ और कंसल्टेंट जैसे लोग भी हैं, तो उन सबके जीवन को भी एक तरह से कई कहानियाँ ऐसी हैं। ये प्राय इसी जीवन की लिखी हुई दीवार में रास्ता जैसी कहानियाँ एक नए ढंग की कहानी का नाम भी प्रयोग में है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो एक हिंदी में उपन्यास लिखा जा चुका है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा गद्य लिखा लिखते कहीं भी ये इन कहानियों को पढ़ने से नहीं लगता कि एक आदमी है जो हिंदी प्रदेश के वातावरण में, अंग्रेजी वातावरण में रहने वाला, भाषा का ठाट
वही ये तो यहाँ से कहानीकार के रूप में चर्चित होने के बाद जाकर लंदन बसे हैं। तो ये है कि कहानी के सारे टूल्स और सारी चीजें, भाषा सब कुछ पहले ही काफी अर्जित कर चुके थे। एक नया स्वाद देती है कहानियां, नए अब यही कहा जाए कि नए आस्वाद की ये कहानियां है हिंदी में जो इस संग्रह में है। और निश्चित रूप से इस दृश्य से इसकी चर्चा होगी, आपने इसकी शुरुआत कर दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।